करणवीर काफी सही लग रहा है क्योंकि उसने बस उसको खाना चाहिए था, वो खाना बस उसने लिया। चाहत ने खाली बोला था कि मुझे मेरे हस्बैंड में ऐसी क्वालिटीज चाहिए और बिग बॉस इसको इन दोनों को खाली पेयर कर रहा है और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, तो आई डोंट थिंक इनके बीच में कुछ चल रहा है। मुझे रजत का अच्छा लगता है। हाँ, रजत के अंदर वो है, रजत कर सकते हैं। बट विवान जी ऐसे नहीं किसी के घुसे किसी के बीच में, उनका जब कुछ गलत होता है तब वो एक्शन लेते उस चीज पे। मैं मनीषा मोदी। ओके, बिग बॉस 18 कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? बिग बॉस कितना अच्छा लग रहा है आपको? काफी इंटरेस्टिंग है इस साल का बिग बॉस सीजन। अविनाश और करणवीर के बीच में अभी इस वक्त जो फाइट चल रही है खाने को लेकर, जो जी होता है उसमें आपको सही कौन लगा? जो उन दोनों के बीच में फाइट चल रही है अविनाश और करणवीर के बीच में, तो मुझे करणवीर काफ़ी सही लग रहा है क्योंकि उसने बस उसको खाना चाहिए था, वो खाना बस उसने लिया, तो ऐसा मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। और आपका फेवरेट कौन है? चाहत को सब बोल रहे हैं कि वो एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रही है, तो चाहत एक्टिंग कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका फेवरेट कौन है? विवियन, रजत या फिर कौन आपका फेवरेट है? ऑफ कोर्स विवियन, विवियन मेरा फेवरेट है एंड मैं चाहती हूँ कि वो इस सीजन का विनर विवियन हो। अर्षिता है। तो बिग बॉस 18 कितना फॉलो कर पा रही है? कितना पसंद आ रहा है आपको? मैंने थोड़ा बहुत देखा, बीच बीच के क्लिप्स देखा है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके बारे में। ओके, तो चाहत और करणवीर को जो है पेयर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाहत को बोल रहे हैं कि करणवीर की फिल्म को पूरा शेष निकाले जो बोला, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे। ये खाली बिग बॉस ने चाहत ने खाली बोला था कि मुझे मेरे हस्बैंड में ऐसी क्वालिटीज चाहिए और बिग बॉस इसको इन दोनों को खाली पेयर कर रहा है और इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं, तो आई डोंट थिंक इनके बीच में कुछ चल रहा है। ओके, तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? विवियन या फिर रजत, इन सब में से अगर मैं बात करूँ कौन सा कंटेस्टेंट आपको फेवरेट लगता है या अच्छा खेल रहा है? मैं विवियन के साथ जाऊंगी। विवियन को जो कलस वाले कर रहे हैं, कलस का लाडला बोला जा रहा है सीजन में, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कलस के लाडले से उनको ज्यादा उनके प्रति उनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस और सलमान खान के साथ, आपको भी लगता है या फिर फेयर नहीं हो रहे बाकी कंटेस्टेंट के? शायद ऐसा है, मुझे भी थोड़ा लग रहा है, ऐसा थोड़ा लग रहा है कि हाँ उनके प्रति ज्यादा बायस हो रहे, बायस हो रहा है थोड़ा। मैं चाहत के साथ जाऊंगी। बिग बॉस 18 तो मैम ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं या कोई अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट नहीं आए जो देखने के लिए ज्यादा मन हो, बस फिर भी मैं देखता हूँ बिग बॉस क्योंकि मैं शुरू से ही देखते आ रहा हूँ, सीजन 10 से पहले से ही, तो मैं रोज देखता हूँ बिग बॉस। लेकिन मैम वो टाइप का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि बिग बॉस आप देख रहे हो तो सारे काम भूल गए, क्योंकि वो टाइप का इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इससे पहले जो सीजन था जिसमें एमसी स्टैन थे, एलविश यादव थे, उसमें एक इंटरेस्टिंग था, उसमें कंट्रोलर, फाइटिंग सारे कुछ थे, तो उसको देखने में एक अलग ही मजा आता था, लेकिन इसमें वो मजा नहीं दिख पा रहा हम लोग को। तो फिर भी अगर मैं बात करूँ तो कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपका फेवरेट होगा या फिर जो आपको सबसे ज्यादा फेक लगता होगा? फेक तो मैम रजत दलाल के भी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी वो गेस्ट वाले के, वो जो सामने वाला बंदा वो बिल्कुल फेक है, बस वो दिखाना चाह रहा है, लेकिन असलियत में कुछ भी नहीं है। मैम वो बस कॉन्फिडेंस अपना हाई करने के लिए लोगों को अपने सामने ऊपर, वो अंदर से खोखले है लेकिन दूसरों के सामने अपने आप को अप दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। गेम तो मैम रजत दलाल का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं उनसे वैसे भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उनका गेम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि वो लड़कियों से बात करते, तो अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने उनको टच कर दिया था बात करते करते, तो उन्होंने सॉरी कह दिया था कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, तो उनका गेम, उनके जो रियलनेस है वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता। वो जो भी है वो रियल खेलते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं रियल। हाँ, गेम अच्छा लगता है, उनका खेलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, जैसे वो कंट्रोवर्सी करते हैं, सारे कुछ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैम पहले भी मैंने इसे इंटरव्यू में कहा कि जैसे कि मनीषा रानी है, इससे पहले एलविश यादव जब थे, तो उन लोगों के बीच में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग निकलते के साथ शादी कर लेंगे। इवेंचुअली मनीषा रानी ने एलविश यादव के पापा से भी बात की थी कि आप इसकी शादी कब करोगे, मेरे से कर दो। तो वो सब मैम सिर्फ एक दिखाने का तरीका है कि हमारा ये चल रहा वो चल रहा। बाहर निकलने के बाद कंटेस्टेंट एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, जो विनर होते हैं उनको ही लोग पहचानते जानते और उनका तो पता भी नहीं चलता कि लोग गए कहाँ। और रजत के लिए बात करते हैं, इन दोनों में किस में आप लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं? लीडरशिप क्वालिटी तो मैम रजत दलाल में है, क्योंकि
उनकी बातें सुनते भी है लोग और कहीं ना कहीं उनसे डरते भी है क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी रह चुकी है और उनके पीछे इतने सारे अभी बीच में केस भी चल रहे थे। तो लीडरशिप के लिए वो रजत दलाल बेस्ट है और वो लीड कर भी सकते हैं। आई थिंक मैम ऐसा हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप बनना तो मैम काफ़ी आसान ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और बॉलीवुड इंडस्ट्री या रोज़ के आप देख ही रहे हो कि रोज़ अफेयर होते हैं, रोज डिवोर्स होता है, तो इसमें कोई मैम बड़ी बात मुझे नहीं लगती, हो भी सकता है ये। यस मैम, उनके मतलब कि उनका लक्षण देख के भी ऐसा लगता है कि वो लोग कर सकते हैं रिलेशनशिप में। राम अग्निहोत्री। पूरा तो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं बट मतलब कभी कभी देख लेता हूँ। देखिए ये तो रियल और फेक मतलब इसका कैसे जस्टिफिकेशन हो पाएगा, ये तो मतलब सबको जीतने के लिए कुछ ना कुछ करना है तो जब जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है कि ये रियल करना है तो वो रियल कर देते हैं, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ फेक कर देते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि है तो एक्टिंग ही, अगर देखा जाए तो कर तो एक्ट ही रहे हैं ना, मतलब भले वो बिग बॉस है रियलिटी बोला जा रहा है बट आए तो एक्टिंग करने ही है तो एक्टिंग कर रहे हैं सारे लोग। बेसिकली अभी हमसे प्लीज नाम मत पूछिए आप, हाँ क्योंकि मतलब वो नाम बताना फिर मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं पर्सनल किसी को टारगेट नहीं करना चाहता। जी देखिए इंडस्ट्री है यहाँ तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आज अगर मतलब हमें कुछ कोई वो मिल रहा है सहारा मुझे आगे बढ़ने का या टॉप पे आने का, तो ये तो सब चलता रहता है चीज़ें इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, तो वो रियल भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए और इसके बाद वो चेंज भी हो सकता है क्योंकि वो आगे चल के फिर बुराई भी करेंगे उन्हीं के जिनसे अट्रैक्ट होंगे, उनके साथ में फाइट भी होगी, प्यार भी होगा, तो ये तो बिग बॉस का मेन पैटर्न ही है। रजत है मुझे रजत का अच्छा लगता है, हाँ रजत के अंदर वो है, रजत कर सकते हैं तो रजत को ही आई थिंक। हाँ चेंजेस तो आते ही हैं, जब सक्सेस आती है इंडस्ट्री में तो चेंजेस भी आते हैं, शोहरत और मतलब पैसा दो डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो 100% वो दिखता है, स्क्रीन पे भी दिखता है, तो है चेंजेज है पहले से और एक जैसा रहता भी नहीं है क्योंकि इतना स्ट्रगल करके आए होते हैं, तो वो 100% जब मौका मिलेगा तो हम भी दिखाएंगे, तो ये एक एटीट्यूड रहता है, उसी का इफेक्ट रहता है। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। एक्चुअली मैं दो सीज़न नहीं देखा था, मैं फर्स्ट सीज़न शुरू किया था सिद्धार्थ शुक्ला जो सीज़न था बिग बॉस 13 राइट, वहाँ से मैंने देखना शुरू किया था और थोड़ा इंटरेस्ट हुआ था और वो टाइम लॉकडाउन भी था, काफ़ी लोग देख रहे थे। अभी इस टाइम विवान जी आए जो उनका पहले एक शो आता था रियलिटी शो टीवी सीरियल पे लाइक वो वैम्पायर वाला, तो अभी उनकी वजह से काफ़ी देख रहे हैं और फिर हमारे इंस्टाग्राम पे फीड पे भी काफ़ी चीज़ आ रहे हो, देखने में मज़ा आ रहा है। और जो विवान जी काफ़ी ओजी है जैसे आप शो में भी देख रहे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज़ उसमें बंदा फेक लग रहा है वो भी रजत दलाल राइट, वो काफ़ी फेक लग रहे हो हर चीज़ में शो मतलब कैमरे के सामने दिखने के लिए दिख रहे हैं। हाँ राइट अभी देखिए जैसे कि एक दो इंसान लड़ रहे, आपको पता हो दो मैच्योर्ड है बड़े इंसान हो अपना खुद का सॉल्व कर सकते, जरूरी नहीं ना तीसरा बीच में घुसे, तीसरा घुसेगा तो उसको भी सुनना पड़ेगा, फोटेज तो मिलेगा क्योंकि बिग बॉस ऐसी रियलिटी शो है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए झगड़े के लिए इसके लिए, बट वो फोटेज पाने के लिए वो आते हैं, इसलिए आप जितने भी शो देखेंगे ना वो भुगते हुए दिखेंगे रजत जी आपको राइट।
सही बात है, आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर मुझे कुछ डाउट है, मुझे कहो है, तो मैं आपके पास आऊँगा, आप मुझे बताइए क्या गलत है क्या सही है। मैं आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ तो आप मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, सही नहीं। बट विवान जी ऐसे नहीं किसी के घुसे किसी के बीच में, उनका जब कुछ गलत होता है तब वो एक्शन लेते उस चीज़ पे। देखिए अभी गेम प्लेन के बारे में तो इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं कह सकता, बट वो गेम एक इसको गेम प्लेन भी कह सकते हैं, स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं अपन लोग ऐसा खेलते हैं। बट जैसे धीरे 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 लेवल अप जाएगा ना तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि गेम था कि ये जेन्युइन है, बट एक हिसाब से गेम ही है क्योंकि वो शो है, शो में सब जीतने के लिए आते हैं। उनका गेम से पहले ही मतलब शो के अंदर जाने से पहले एक माइंड सेट बन जाता है ऐसा ऐसा होएगा, राइट। अभी हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, लाइक मैं अभी काम करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है आज दिन भर में क्या करना है, क्या एक्टिविटी है, मुझे बॉन्डिंग क्या रहेगा, तो उनका पहले से रियलिटी है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, करण और अविनाश की जो फाइटिंग चल रही है वो सही है, अविनाश जो जेल में है ना, राइट, यस यस, वो सही है बंदा, और वो जो भी सोच रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है क्योंकि लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं उसके, बट बंदा सही है। प्रवीण कुमार। ओके, तो प्रवीण आपको क्या लगता है कि चाहत तो सब होते कि वो एक्टिंग कर रही है और फेक दिखा रही है, तो जैसी है वैसी नहीं दिखा, तो आपको भी ऐसा लगता है कि अभी तक चाहत ने दिखाया वो फेक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई मतलब दो सप्ताह तक कैसे कोई एक्टिंग कर सकता है, इसमें जेन्युइन बात लगता है। okay. जी ओके, आज सबसे ज़्यादा अच्छा गेम आपको कितना लग रहा है, रजत रजत और चाहत पन्न okay. चाहत रजत का गेम क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि बाकी कॉन्शियस से अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और खुद के दम पे कर रहा है। okay. यहाँ पे ईशा और अविनाश को मतलब करणवीर ने बोला कि ये लोग कपल कपल चाहते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ बेहतर लगेगा क्योंकि अगर साथ में करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे।